से लौट पंड में तरह से गुरु जी थोड़ी थोड़ी रही है। और आ जाइए ब्रह्मा के चार पुत्र थे कथा के तरह व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाते हुए राजन परीक्षित। ब्रह्मा जी के चार पुत्र थे जिन्होंने ये वरदान मांगा था कि मैं सदा सदा के लिए छोटा ही रहूं, मैं सृष्टि के काबिल नहीं हूं और मैं सृष्टि को रचना नहीं कर सकता। जिन पुत्रों के नाम ही जिन पुत्रों को ब्रह्मदेव ने अर्पित किया था भक्तों, वो चार पुत्र सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार, ये चारों पुत्र भगवान विष्णु के दर्शन के लिए इकट्ठे हो गए। जब विष्णु के दर्शन को गए तो वहां प्रभु के दरवाजे पर दो पहरेदार थे, जिन पहरेदारों का नाम था जय और विजय। जय विजय पहरेदार बनकर के विष्णु के दरवाजे पर खड़े हुए थे। चारों ऋषि जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे वो अंदर जाना चाहिए। ऋषियों ने जब अंदर जाने की अनुमति मांगी तो जय विजय ने जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा आप अंदर नहीं जा सकते, मुझे गुरु की आज्ञा नहीं है, प्रभु की आज्ञा नहीं है, आप बिना प्रभु की आज्ञा से अंदर नहीं जा सकोगे। क्रोध में आकर के ऋषियों ने जय और विजय को शाप दे दिया। तीन जन्म तक आप भूमि पर विषाद के समान रहोगे क्योंकि आपने ऋषियों का अपमान किया है। तीन जन्म तक विषाद रूप मिलेगा, ये सुनकर के जय विजय की आत्मा गड़बड़ा गया। जय विजय कहने लगी प्रभु ये तुमने क्या कर दिया, बिना विचारे आने क्या किया है, मुझे तो आज्ञा नहीं थी, मुझे प्रभु की अनुमति नहीं थी, मैंने आपको अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन आप तो एक संत हैं और संत होकर के आपने ये क्या कर दिया, मुझे ये एक शाप दे दिया। और ऐसा शाप भगवान शाप तो आपने ये दे दिया, कुछ दया दृष्टि कर दो, कुछ ऐसा कर दो जिससे कि मेरा उद्धार हो जाए, मेरे उद्धार की कोई ऐसी जगह कर दो जिससे मेरा जीवन का बेड़ा पार हो जाए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी कहने लगे श्राप तो तुम्हें लग गया ऋषिगण, जो मैं वापस नहीं ले सकता, श्राप तो मैं तुम्हें दे चुका हूं, लेकिन एक वचन तुम्हारा यह है कि तुम बार बार परमात्मा के हाथों से तारे जाओगे। इतना कहकर के जय विजय से चारों ऋषिगण चले गए। इधर जय विजय की आत्मा ने कश्यप ऋषि की पत्नी दिति की कुच्छा में निवास किया। आदिति की कुच्छा से पवन भगवान प्रकट हुए जिन्होंने राजा बलि की परीक्षा ली और दिति की कुच्छा से राक्षस प्रकट हुए। इन जय विजय की आत्मा ने उन्हीं के गर्भ में जाकर के निवास किया जहां ये 100 वर्ष तक गर्भ में रहे। 100 वर्ष के बाद ये धरती पर आई जहां इनके नाम हिराज और हिरण्यकश्यप पड़े। हिराज हिरण्यकश्यप बड़े बड़े बचपन से ही ये प्रभु को अपना बैरी मानने लगे, ईश्वर को ही अपना बैरी मानने लगे और ऐसे हो गए कि एक दिन हिराज ने पृथ्वी को चुरा लिया। बस यही रहने पता ही नहीं चला। हिराज ने पृथ्वी को चुरा करके उसकी तकिया बना करके पाताल लोक ले गया। भगवान एक महाप्रत व्रत करते हैं, उसके बाद सूकर रूप धारण करके प्रभु ने हिराज का व्रत किया। भाई का मरना सुन करके भाई की ज्वाला उमल गई। हिरण्यकश्यप कहने लगा कि इसने तो विष्णु को मेरे भाई को मार दिया, मैं विष्णु को जीवित नहीं छोड़ूंगा, ये बदला मैं अवश्य लूंगा। बदला लेने के लिए ये वन में तप करने गया। यमिश ने तपस्या की, उस वक्त सभी देवता घबरा करके गुरु बृहस्पति जी को बुलाते हैं। और ये शिला तोता कहाँ था, तोता कह क्या रहा था,
राम 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 मुझे सुनाई नहीं दिया, जरा धीरे बोल रहे हो, तेज बोलिए। तोता क्या कह रहा था बताइए, तोता क्या कह रहा था? राम 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 कह रहा था। थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, महाराज मैंने पूरा नहीं सुना, आपने क्या कहा? तोता क्या कह रहा था? राम का नाम ले रहा था। राम का नाम? हाँ। कैसे ले रहा था? कैसे ले रहा था? राम राम राम। महाराज जब तुम घर से निकले बनने गए, वहाँ पे सिला मिला बैठ गए, फिर तोता आया, वो डाली पर बैठा। तोता ने कितने बार राम राम कहा? अच्छा एक ही बार और बता दो, तोता कैसे कह रहा था? राम 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 कह रहा था। थोड़ा जोर से बोलो, राम 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 राम। कयाधु ने कितने बार क्यों कहलवाया? क्योंकि कयाधु ये चाहती थी कि मेरे पति राम का नाम ले रहे हैं, दुश्मनी में ही सही लेकिन प्रभु का नाम ले रहे हैं, इसलिए कयाधु ने अपने पति से घुमा फिरा करके एक बार नहीं 108 बार राम राम कहलवाया। जब 108 बार राम राम कह दिया, उसकी सुतै बुद्धि पलट गई, सुतै बुद्धि पलट गई, और अब की बार वो तप करने के लिए वनों में फिर से गए। जब तपस्या करने वन में गए, घोर तपस्या की जिससे ब्रह्मदेव प्रकट हो गए, और जब ब्रह्मा जी को देखा, ब्रह्मदेव कहने लगे, मांगिए वक्त, क्या चाहिए? हम आपकी तपस्या से अत्यंत खुश हैं। हिरण्यकश्यप बोला, भगवान वचन दीजिए कि जो मैं मांगू वो आप हमें दोगे? दोगे? जरूर जरूर। वचन लेकर के हिरण्यकश्यप ने क्या मांगा है भगवान से? ब्रह्मा जी के चार पुत्र थे, जिन्होंने ये वरदान मांगा था कि मैं सदा सदा के लिए छोटा ही रहूं, मैं सृष्टि के काबिल नहीं हूं और मैं सृष्टि के यजना नहीं कर सकता। जिन पुत्रों के नाम ही जिन पुत्रों को ब्रह्मदेव ने तृप्त किया था,
एवं समस्तुहर। ये चारों पुत्र भगवान विष्णु के दर्शन के लिए इकट्ठे हो गए। जब विष्णु के दर्शन को गए तो वहां प्रभु के दरवाजे पर दो पहरेदार थे, जिन पहरेदारों का नाम था जय और विजय। जय विजय पहरेदार बनकर के विष्णु के दरवाजे पर खड़े हुए थे। चारों ऋषि जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे वे अंदर जाना चाहिए। ऋषियों ने जब अंदर जाने की अनुमति मांगी तो जय विजय ने जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा, आप अंदर नहीं जा सकते, मुझे गुरु की आज्ञा नहीं है, प्रभु की आज्ञा नहीं है, आप बिना प्रभु की आज्ञा से अंदर नहीं जा सकोगे। क्रोध में आकर के ऋषियों ने जय और विजय को श्राप दे दिया। तीन जन्म तक आप भूमि पर विषाद के समान रहोगे, क्योंकि आपने ऋषि का अपमान किया है। तीन जन्म तक विषाद रूप मिलेगा, ये सुनकर के जय विजय की आंखें गड़बड़ा गया। जय विजय कहने लगी, प्रभु ये तुमने क्या कर दिया, बिना विचारे आने क्या किया है, मुझे तो आज्ञा नहीं थी, मुझे प्रभु की अनुमति नहीं थी, मैंने आपको अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन आप कोई संत हैं और संत होकर के आपने ये क्या कर दिया, मुझे एक शाप दे दिया, और ऐसा शाप शाप तो आपने दे दिया, कुछ दया नष्ट कर दो, कुछ ऐसा कर दो जिससे कि मेरा उद्धार हो जाए, मेरे उद्धार की कोई ऐसी जगह कर दो जिससे मेरा जीवन का बेड़ा पार हो जाए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी कहने लगे, श्राप तो तुम्हें लग गया ऋषिगण, जो मैं वापस नहीं ले सकता, शाप तुम्हें मेरे भेज चुका हूं, लेकिन एक वचन तुम्हारा यह है कि तुम बार बार परमात्मा के हाथों से तारे जाओगे। इतना कहकर के जय विजय से फिर चारों ऋषिगण चले गए। इधर जय विजय की आत्मा ने कश्यप ऋषि की पत्नी दिति की इच्छा में निवास किया। आदिति की इच्छा से बामन भगवान प्रकट हुए, जिन्होंने राजा बलि की परीक्षा ली, और दिति की इच्छा से राक्षस प्रकट हुए। इन जय विजय की आत्मा ने उन्हीं के गर्भ में जाकर के निवास किया, जहाँ ये 100 वर्ष तक गर्भ में रहे। 100 वर्ष के बाद ये धरती पर आई, जहाँ इनके नाम हिराच और हिरण्यकश्यप थे। हिराच हिरण्यकश्यप बड़े बड़े बचपन से ही ये प्रभु को अपना बैरी मानने लगे, ईश्वर को ही अपना बैरी मानने लगे, और ऐसे हो गए कि हिराच ने पृथ्वी को चुरा लिया। बस यही रहने पता ही नहीं, पृथ्वी को चुरा करके उसकी तकिया बना करके पाताल लोक ले गया। भगवान एक महाप्रत व्रत करते हैं, उसके बाद सुकर रूप धारण करके प्रभु ने हिराक्ष का व्रत किया। भाई का मरना सुन करके भाई की ज्वाला उड़ गई। हिरण्यकश्यप कहने लगा कि इसने तो विष्णु को मेरे भाई को मार दिया, मैं विष्णु को जीवित नहीं छोड़ूंगा, ये बदला मैं अवश्य लूंगा। बदला लेने के लिए ये वन में तप करने गया। यह विष्णु तपस्या की, उस वक्त सभी देवता घबरा करके गुरु बृहस्पति जी को बुलाते हैं। और शिला था, तोता कहाँ था, तोता कह क्या रहा था, राम राम राम, मुझे सुनाई नहीं दिया, जरा तेज बोलिए, तेज बोलिए, तोता क्या कह रहा था, बताइए तोता क्या कह रहा था, राम राम राम। थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, महाराज मैंने पूरा नहीं सुना, आपने क्या कहा, तोता क्या कह रहा था, राम का नाम ले रहा था, राम का नाम, हाँ कैसे ले रहा था, कैसे
सुला मिला बैठ गए। फिर तोता आया, वो डाली पर बैठा। तोता ने कितनी बार राम राम कहा? नागवार का। अच्छा एक ही बार और बता दो, तोता कैसे कह रहा था? राम 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 कह रहा था। थोड़ा जोर से बोलो। कयाधु ने कितने बार क्यों कहलवाया? क्योंकि कयाधु ये चाहती थी कि मेरे पति राम का नाम ले रहे हैं, दुश्मनी नहीं सही लेकिन प्रभु का नाम ले रहे हैं, इसलिए कयाधु ने अपने पति से घुमा फिरा करके एक बार नहीं 108 बार राम राम कहलवाया। जब 108 बार राम राम कह दिया उसकी सुतर बुद्धि पलट गई, सुतर बुद्धि पलट गई और अब की बार वो तप करने के लिए वनों में फिर से गए। जब तपस्या करने वन में गए, घोर तपस्या की जिससे ब्रह्मदेव प्रकट हो गए, और जब ब्रह्मा जी को देखा ब्रह्मदेव कहने लगे, मांगिए वक्त, क्या चाहिए, हम आपकी तपस्या से अत्यंत खुश हैं। हिरण्यकश्यप बोला, भगवान वचन दीजिए कि जो मैं मांगू वो आप हमें दोगे। दोगे जरूर जरूर वचन लेकर के हिरण्यकश्यप ने क्या मांगा है भगवान से?